खबरों में बात करते हैं भिंड जिले की, जहां पर परिवहन कार्यालय बना दलालों का अड्डा। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि अर्चना परिहार मैडम के निर्देश अनुसार उनकी निगरानी में हो रही दलाली। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है यहां पर परिवहन अधिकारी की कुर्सी भी खाली पड़ी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अर्पित चतुर्वेदी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अर्पित, क्या है ये पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। जी सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे। अर्चना परिहार मैडम जो आरटीओ है अभी भिंड जिले की, वो 2 तारीख को अपना चार्ज मुरैना आरटीओ को सौंप कर चली गई है, जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी को उसकी खाली नजर आ रही है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं है, पूरा सिस्टम भगवान भरोसे ही चल रहा है जी। अर्पित, मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के बड़े बड़े दावे करती है और अपने आप को गरीबों की सरकार बताती है, वहीं ऐसी तस्वीर आना क्या दर्शाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ भिंड जिला परिवहन कार्यालय में दलाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब भी मैडम अर्चना परिहार ऑफिस आती है तो दलालों का जमावड़ा लग जाता है। मैडम अपना कार्य करने के सरकार से रुपए तो लेती ही है, साथ ही दलाली के रूप में ऊपरी कमाई भी करती है, और यह दलाली अर्चना परिहार मैडम की निगरानी में होती है जी। अर्पित, अगर आपने अधिकारियों से बात की हो तो अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले पर? जी सर, मैं बताना चाहूंगा, इस घटना में अधिकारियों की मिली भगत हो रही है, सारी ऊपरी कमाई अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है, और मैंने कई बार अर्चना मैडम जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैडम इस घटना से बस्ती में नजर आई है जी। शुक्रिया अर्पित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ और भी आपके पास अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे।